ओम नमः शिवाय, प्रणाम। आज मैं आपको एक मोहिनी मंत्र प्रयोग बता रहा हूँ जो बहुत विशेष और ख़ास कारगर है। ये बहुत से लोगों ने आजमाया भी है, उनको उसके बारे में अनुभव भी हुए हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने से दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। आप शायद चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहां भी चाहे अपने दोस्तों के साथ, किसी के भी साथ शेयर ज़रूर करें। अब बात करते हैं मोहिनी मंत्र की। तो मोहिनी मंत्र बहुत सारे वैसे तो दे रखे हैं, लेकिन कोई तीव्र मंत्र होता है ना, वो बहुत ज़्यादा कारगर होता है। तीव्र मंत्र जैसे माँ कामाख्या का है, या कोई भी ब्लैक मैजिक होती है ना, उससे संबंधित होते हैं। तो उसमें कई सारे मंत्र होते हैं, कई सारे जिन्नात के मंत्र होते हैं, कई सारी पिशाचिनियों के मंत्र भी होते हैं, यक्षिणियों के मंत्र भी होते हैं, अप्सराओं के भी मंत्र होते हैं। ये आप किसी भी एक सामान्य स्त्री लड़की किसी को भी वंशीकरण करने के लिए कारगर कर सकते हैं, या किसी भी मेल या पुरुष दोनों को वंशीकरण करने के लिए कारगर कर सकते हैं। ये जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, ये दोनों के लिए हैं, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए, दोनों इसमें प्रयोग कर सकते हैं। बाकी ये खुद के अनुभव के तौर पर करें, मेरा कहना केवल ज्ञान देने का है। बाकी किसी के साथ कोई घटना घटित होती है या कुछ भी होता है तो जिसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। आपको ध्यान से सुनना है। आप किसी एकांत कमरे में या एकांत जगह में वहाँ पर जाना है। वहाँ जाने के बाद में आपको एक दिया जलाना है। दिया ऐसा जलाना है कि वो आप अगर उसको सच्चे दिल से, उसको लड़का हो या लड़की हो जिसको भी चाहते हैं, तो आपको दिया जलाना है और घंटे से डेढ़ घंटे तक आपको ये मंत्र है इसका जाप करना पड़ेगा। एक कागज़ लेना है, वाइट कागज़ लेना है, कोई सा भी। उस कागज़ पर उसका नाम लिखना है। नाम कैसे लिखना है, कागज़ के बीसों बीस लिखना है, ना ऊपर ना नीचे, ना इधर ना इधर, बीसों बीस उसका नाम लिखना है। और उस नाम के चारों तरफ, चारों तरफ मतलब आप समझ गए, जैसे लाइन एक पूरी हो गई, जैसे आगे मंत्र कैसे होता है, जैसे ओम गम गणपतिये नामा, ये गणपति का मंत्र होता है। तो मैं यहाँ पे आपको कामाख्या मंत्र लिखना है। कैसे लिखना है, त्रीम त्रीम त्रीम, तीन बार हो गया। उसके बाद में उसका नाम आना चाहिए, लाइन बननी चाहिए पूरी, ठीक है। फिर वापस उसके पीछे त्रीम त्रीम त्रीम, ये हो गया बाएं से दाएं, ठीक है। ऐसे ही ऊपर से नीचे भी लाइनिंग होनी चाहिए, त्रीम त्रीम त्रीम, यानी एक ऊपर त्रीम हो गया, फिर उसके नीचे त्रीम हो गया, फिर उसके नीचे त्रीम हो गया, फिर उसके नीचे उसका नाम हो गया, और उसके नीचे वापस यही तीनों बार त्रीम त्रीम त्रीम। यानी एक प्लस का निशान कैसे बनता है, समझ गए आप, प्लस का निशान कैसे बनता है, उस प्रकार से ये आपको करना है। ऐसा करने के बाद में आपको इसका जप करना है। इसका जप आपको घंटे भर करना है, जितना आप कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम आप पांच माला इसका जप करें। पांच माला ये जप करने से आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का समय लगेगा, ज़्यादा इसमें समय नहीं लगेगा। तो आप पांच माला इसका जप करें। जप कैसे करना है, त्रीम 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 उसका नाम, फिर त्रीम त्रीम त्रीम, ये हो गया पूरा मंत्र। इस प्रकार से इसका जप करना है, ये करना है। और वहाँ पर आपको जहाँ पे भी आप जप करते हैं, उसके आगे आपको रोजाना कुछ न कुछ कोई मीठा भोग देना है। भोग कैसे देना है, आप कोई भी मिष्ठान का दे सकते हैं, या कोई भी और भी बहुत सारी ऐसी आइटमें होती है जिसका दे सकते हैं, ये आपको करना है। और इसके साथ में अगर आप इत्र के चांटे वहाँ देने हैं, इत्र भी आसपास में देते हैं तो भी बेहतर है। इसके अलावा वहाँ पर एक कोई सा भी फूल, चाहे कैसा भी फूल है, आप एक आध दो फूल आप वहाँ पे रख सकते हैं रोजाना। ये प्रयोग आपको करना है। ये प्रयोग आप करेंगे तो 100% के तौर पर 7 से 11 दिन के अंदर इसका प्रयोग है वो कारगर होता है। एक दिन में तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, कभी कभार हो जाता है, क्योंकि वो उस समय शक्तियाँ एक्टिव होती है और सामने वाला सामान्य इंसान होता है जिसने कभी भी कोई मंत्रों का जप नहीं किया, कभी भी वो मंदिरों में नहीं जाता, या किसी प्रकार से वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऐसे लोगों पर एक दिन में अटैक हो जाता है और वो
अपने कब्जे में आ जाता है। लेकिन अगर वो मंदिरों में जाता है या कोई मंत्र जप करता है, कोई आरती करता है, तो फिर उसके ऊपर ये लागू होने में समय लगता है। इसलिए 7 से 11 दिन इसको लगते हैं और कई कईयों को 21 दिन भी लगते हैं, कईयों को उससे ज़्यादा भी लगते हैं। तो आप अपने तरीके से करें, इसको आजमाने का कोशिश नहीं करना। इसको जब भी शुरुआत करें तब तक आपको शुरुआत से उसको जब तक करना है जब तक वो आपके वश में नहीं होता, आपके ऊपर मोहित नहीं होता है। ये एक सामान्य सा प्रयोग है, ये आप कीजिएगा। ये काफ़ी कारगर है और विशेष मंत्र हैं, माँ कामाख्या का मंत्र है। ये आप कुछ दिनों तक करते हैं तो सामने वाला आशा है, किसी भी मंदिर में जाता है या कोई भी मंत्र जप करता है तो ये भी उसके ऊपर अटैक होता है और वो अपने कब्जे में आ जाता है, क्योंकि ये महामंत्र है माँ कामाख्या का। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।